इसके अलावा डुगोम क्रिक में जहाँ पे उंगीज रहते हैं, टोटल वोट 68 है, 63 लोगों ने वोट किया। स्ट्रेट आइलैंड में 63 ने वोट किया। स्ट्रेट आइलैंड में 39 टोटल वोट थे, उनमें से जो ग्रेट अंडे मैनेज है 33, उन्होंने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया। सोमपेन हट में टोटल वोट 84 थे, उनमें से 7 सोमपेन जो ट्राइब के लोग हैं उन्होंने इसको अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ हमारा जो 5 बजे तक का पोलिंग परसेंटेज था वो 56.87% था। डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल अगर मैं बताऊं तो हमारा नॉर्थ एंड मिडिल में 64.93 था, साउथ अंडमान में 52.75, निकोबार में 66.67, ओवरऑल 56.87% था। और ये डिटेल आपको दे देंगे, यू विल गेट, ग्रुप में शेयर करेंगे तो हर किसी को वो डिटेल मिल जाएगी। अभी भी कुछ जगह पे पोलिंग चल रही है, कुछ पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे अभी भी लाइन चल रही है। पूरा डाटा अभी भी कंपाइल किया जा रहा है, जब फाइनल फिगर बनेगी होपफुली विद इन एन आवर और सो फाइनल फिगर आ जाएगी, दैट विल बी शेयर्ड विद यू इन द ग्रुप। ऑल्सो वी वुड लाइक टू शेयर सम फोटोग्राफ्स जो सोमपेन्स के वोट डालते हुए हैं, अंडे मैनेज के हैं या ओंगीज के हैं, तो वो भी हम आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग भी मीडिया में उनको अपने हिसाब से अपनी न्यूज का पार्ट बना सके। इस बार जो पोल शुरू हुआ बड़े एंथुजियाज्म से शुरू हुआ, मॉर्निंग में खूब लाइन थी, लोग बड़े हंसी खुशी से आए, दोपहर को थोड़ा स्लो हुआ, शाम को फिर पिकअप किया, तो ओवरऑल लास्ट वाला पोल परसेंटेज हमारा 65.18 था। अभी भी डाटा कंपाइल होने लग रहा है, मुझे उम्मीद है हम लोग उसको क्रॉस कर पाएंगे, बट एक्चुअल फिगर आप लोगों से हम लोग मे बी 8 के आसपास अभी कंपाइल होने लग रहा है, वो होते ही आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर करेंगे। एक ग्रुप इसमें जितेंद्र ने बनाया है उसमें भी डालेंगे और बाकी भी जिन लोगों के पास इंडिविजुअल नंबर है उन पर भी हम लोग शेयर कर देंगे, मैंने अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे दिया है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप भी इस पूरी प्रक्रिया के शुरू से ही हिस्सा रहे हैं, इसमें मैं अपने पूरे स्टाफ का, आरओ की टीम का, सबने बहुत मेहनत से काम किया। इसके साथ साथ मैडम एसपीएनओ, शुरू से ही इन्होंने पूरा चीजों को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखा, माइन्यूट डिटेल्स में गए, पूरा प्लानिंग किया। इसमें सीएपीएफ से लेके आने का, उनकी डिप्लॉयमेंट का, उनका एरिया डोमिनेशन के लिए यूज करना, मार्चेस के लिए यूज करना, फिर उसके बाद उनका स्ट्रांग रूम में डिप्लॉयमेंट, ये सब इन्होंने बखूबी किया। इसमें सभी डिपार्टमेंट्स का, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट का, जो लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छी तरह मेंटेन किया, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, वो एक अप्रिसिएबल एफर्ट था। इट वॉज अ टोटल कोऑर्डिनेटेड टीम एफर्ट, आई मस्ट अप्रिसिएट एवरीवन। हर किसी ने पूरा सहयोग किया इलेक्शन डिपार्टमेंट को, मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि कहीं से मुझे किसी भी एरिया से सहयोग नहीं मिल रहा।
ठीक है, और कोई एजेंट हो जो साइन नीरज जी एक साइन भैया बस आई हो बहुत अच्छा रहा अनुभव। मैं मेरे पूरे परिवार संग यहाँ पे आई हूँ और हम सभी ने वोट कर दिया। इनफैक्ट हम पहले लोग थे जिन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल यू नो इंडियन सिटीजन के नाते यहाँ पे वोट किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक एज अ भारतीय आई थिंक हम सभी को अपने घरों से सबसे जल्दी निकल के वोट करना चाहिए। साथ ही साथ उत्तराखंड की बात की जाए, मैं एक प्रॉपर उत्तराखंडी हूँ। मेरे जो फादर हैं गढ़वाली हैं, मेरी मदर कुमाऊनी हैं, और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप उन्हीं को वोट करें, उन्हीं को अपना मतदान दें जो जो आपको लगता है कि उत्तराखंड को पूरी तरीके से विकसित करेंगे। उत्तराखंड जो है हमारा स्टेट इज़ ऑल हमारा बेस्ड जो है पूरा का पूरा कल्चर पे है, यू नो, जो टूरिज्म को बढ़ावा दे, इस तरीके से हमारे उत्तराखंड का विकास होना चाहिए कि उत्तराखंडियों को उत्तराखंड के बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े।